वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जो कि है स्वदेशी आंदोलन। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर आप 1 बजे क्लास देख सकते हैं, जिसमें मेरे साथ आप GS सेक्शन कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पहले ही पढ़ा दी है और अभी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसकी आप PG प्राप्त करना चाहते हैं, अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप जो भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया आप उसे परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें जो पढ़ना है स्वदेशी आंदोलन, इसमें सबसे पहले जान लीजिए जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसके विरोध में कुछ आंदोलन चले। इसमें जो सबसे मुख्य आंदोलन रहा वो स्वदेशी आंदोलन रहा। इससे कई नेता जुड़े, कोशिश की गई कि पूरे भारत में फैलाया जाए। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम लोग आज देखेंगे और बाकी की जो इससे इम्पोर्टेंट जो नेता जुड़े थे, जो लीडर्स इससे जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी जो इससे जुड़े हुए थे, वो सब हम लोग कल देखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए स्वदेशी का अर्थ क्या होता है। तो स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, और इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने हुए माल का बहिष्कार करना था और भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था, उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले के विरोध के रूप में किया गया था। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए नरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान को शुरू किया गया था। वर्ष 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और इसमें जो बंगाल विभाजन की निंदा करने और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने के लिए संकल्प लाया गया और उसे पारित किया गया। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सुशासन या फिर स्वराज को INC के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हो गया था, उस दिन बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक के रूप में वो दिवस मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में। तो लोगों ने उपवास किया, गंगा में स्नान किया, नंगे पांव वंदे मातरम गाया, जो लगभग अनायास ही आंदोलन का थीम गीत बन गया था। यही गाते हुए वे जुलूसों में चले जा रहे थे। वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनाल बांग्ला, ये रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था, जो सड़कों पर मार्च करने वाली भारी भीड़ द्वारा गाया गया था। बंगाल के दो हिस्सों की एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी। वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर चरमपंथियों अर्थात उग्रवादी जो थे, गरम दल के नेता थे, इनका प्रमुख प्रभाव रहा और इसे जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल अर्थात लाल बाल पाल इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्यवाही द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया और वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु रद्द कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया और धन जुटाने के लिए पहली स्वदेशी डकैती या लूट अगस्त 1906 में रंगपुर में की गई थी और कलकत्ता के मनिकतला में एक बम इकाई स्थापित की गई थी। देखिए, स्वदेशी आंदोलन विरोध में शुरू हुआ बंगाल विभाजन के, तो लोगों का मानना था या उग्रवादी नेताओं का मानना था, यदि जो भी ब्रिटिश सामान है, ब्रिटिश आयात वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा और इनके बहिष्कार से उनको ठेस पहुँचेगी, तो धीरे धीरे
इन लोगों ने इस पे कार्य किया और स्वदेशी अर्थात जो भारत में निर्मित वस्तुएं थी इनका उपयोग शुरू किया, तो इससे उनको काफ़ी प्रभावित किया गया और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया, लेकिन इसको दबाने का कार्य भी अंग्रेजों ने बहुत ढंग से किया था। अब इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं कि करके हम लोग देखेंगे, तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो तत्कालिक कारण था बंगाल विभाजन, और इस अवधारणा की मुख्य प्रस्तुतकर्ता जो थे वो अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो इसके विरुद्ध थे, वो पूरे भारत में इसको नहीं फैलाना चाहते थे। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है और तत्कालीन वायसराय कर्जन ने इसकी घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सभा हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद बंगाल के विभिन्न हिस्सों में विभाजन आंदोलन शुरू हो गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो एक एक करके डेट भी देखते चलिए, इनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ इसकी योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगले व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार मित्र, जो बंगाल विभाजन के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। इन्होंने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं में सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के समय आप देखेंगे स्वदेश बांधव समिति का गठन होता है और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने का इसका उद्देश्य था और इसकी स्थापना की गई अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था और स्वदेशी आंदोलन के समय ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगले व्यक्ति हैं H.W. निविंसन, जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल्स की रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्प्रिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित भी किया था। और अवनींद्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इन्होंने की। तो दिसंबर 1911 में सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी थी मेरी, तो इनके भारत में आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। तो घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, उड़ीसा और बिहार इनको अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगले व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बंगाल विभाजन में विरोध करते हुए प्रारंभिक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ये पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध के समर्थक थे। कृष्ण कुमार मित्र ने एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता के रूप में कार्य किया। इन्हें उनकी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है और कॉर्नवालिस 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है वो शुरू की थी। प्रश्न पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन की डेट आपने जान ली, क्रोनोलॉजी में लगाने को आएगा तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया 1793 में कॉर्नवालिस ने। वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली अर्थात गैर हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया, जिसका उपयोग वेलेजली द्वारा किया गया था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए गवर्नर जनरल जो थे ये वेलेजली थे 1798 से 1805 तक। फिर डलहौजी के बारे में जान लीजिए, 1848 से 1856 के बीच ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए हड़प नीति का इन्होंने प्रयोग किया था। इसी स्वदेशी आंदोलन में ही आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। तो अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। तो ये हो गया स्वदेशी आंदोलन के बारे में जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इससे जुड़े जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन सभी को हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा वो एक लिस्ट के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी PDF प्राप्त करना है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, मैंने आपको बताया, आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके SCS अर्थात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्लासेस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।